बरेली जंक्शन। गाइस हम रायबरेली से निकल रहे हैं और यो जंक्शन। और ये है पद्मावत एक्सप्रेस जो अपने टाइम से एक घंटा लेट चली है। एक घंटा लेट चली है पद्मावत एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच। हम पहुंच चुके हैं अपने गंतव्य स्थान पर और ये है रायबरेली जंक्शन। सो फ्रेंड्स, यहां से हमारा स्टार्ट होता है नया व्लॉग रायबरेली टू। Hi, Mamta Manoj Negi. Welcome back to my channel. This is Mamta and Manoj, or you are watching Mamta Manoj Negi. और अभी हम हैं रायबरेली जंक्शन। रायबरेली में पद्मावत एक्सप्रेस रुकती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे फ्रेंड्स। और हम हैं अभी रायबरेली जंक्शन पे। पद्मावत एक्सप्रेस यहाँ पे रुकी हुई है। मम्मी जानती रहे सब। ब्रिज क्रॉस ना करते हुए उत्तर प्रदेश में आते ही ये यूपी वाले काम करने लग जाते हैं और यहाँ पे प्लेटफॉर्म को कुछ ऐसे क्रॉस करते हुए बैग को वहाँ पहुँचाते हुए, क्यों ट्रेन जा चुकी है और सभी लोग इस टाइप से क्रॉस कर रहे हैं। आपका पेन गिर गया। ये देख रहे हो आप मनोज नेगी का काम। फ्रेंड्स, मेरी यात्रा थी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से रायबरेली पद्मावत एक्सप्रेस से। बहुत अच्छी गाड़ी है बट आज उसने डिले कर दिया है और यात्री सब मुझे बहुत अच्छे मिले, पैसेंजर सारे फ्रेंड्स। तो सबको हेलो, बाय एंड मिस यू गाइस। नेक्स्ट टाइम होपफुली हम मिले दोबारा पद्मावत एक्सप्रेस। ऊपर से देखने में ब्रिज से कुछ ऐसा लगता है रायबरेली का। यह है फुट ओवर ब्रिज, यहाँ से आ रही है ट्रेन। ब्रिज क्रॉस कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ बाहर रेलवे स्टेशन से। और शोनी ऑलरेडी जा चुके हैं बिकॉज अब बाइक बाहर खड़ी है और सामान क्रॉस करते हुए। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है रायबरेली का पूरा स्टेशन। तो फ्रेंड्स, रेलवे स्टेशन रायबरेली के सामने श्री विश्वेश्वर मंदिर है, श्री बजरंग बली। तो यहाँ पे ये भगवान जी की सारी मूर्तियाँ हैं, महादेव शिवलिंग है। तो गाइस हम रायबरेली से निकल रहे हैं और नेगी जी ने कुछ सेटिंग इस टाइप से कर दी है कि बैग यहाँ पर है वो आगे है और मैं पीछे। तो बीच में जितना हो सके मैं कैप्चर करूंगी, अदरवाइज नहीं कर पाई तो आई एम सॉरी। तो सोनी, लेट से स्टार्ट एंड गो। रेडी, गो, थम्स अप कर दो जरा। मार्केट अभी ओपन नहीं हुआ है, धीरे धीरे मार्केट ओपन हो रहा है। और
जाता है लखनऊ गाइस, और ये है यहाँ पे कौन है, सारस, इसे बोलते हैं सारस चौराहा। ये देखो सारस टूरिस्ट बंगलो। रायबरेली कैसा लग रहा है? यो, ये सीढ़ियां हमें लेके जाएंगे ऊपर, इन्हीं सीढ़ियों से हम ऊपर नीचे करते रहेंगे डेली। ये देखो सब सुनसान पड़ा है, खाली खाली है, कोई नहीं नजर आ रहा मुझे तो दूर दूर तक। नेक्स्ट फ्लोर में चलते हैं। यहाँ पे भी मुझे बहुत खाली खाली लग रहा है, यहाँ भी कोई नजर नहीं आ रहा। हमारा टॉप फ्लोर है, मेरे पास बैग है और मैं बहुत थक चुकी हूँ, और फाइनली मुझे कोई नजर आया है। टॉप फ्लोर पे जाते जाते हाय पल्लू, नमस्ते, खुश रहो। देखो हमें दूर से, हम इनको पास लेके आते हैं। हाँ, जाते अपने काम पे, फ्रेश हो गए नहा के, देन अब रखी है नेकी जी ने भिंडी, अब मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्जी। हम खाएंगे भिंडी, अब ये बनेगी यू। तो भिंडी हो गई है रेडी, सोनी वाली, सोनी भी लगे हुए काम पे कि मिल बांट के काम होना चाहिए, अकेले से काम होने वाला नहीं। ये देखो ये क्या कर रहे हैं। आज सैटरडे संडे दो दिन की छुट्टी में फुल सपोर्ट में है मिस्टर नेगी। सो ब्रेकफास्ट हमारा रेडी हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ शोनी क्या कर रहे हैं। गरम गरम चाय, क्या बात है, ग्रेट। ब्रेकफास्ट हो गया रेडी, शोनी ने बनाई है चाय, भिंडी की सब्जी और दाल, और अब हम करने वाले हैं प्यारा सा ब्रेकफास्ट। लो 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 लो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मजा आ गया आज तो शोनी, मजा आ रहा है। मैस का ना खा के अपनी वाइफ के हाथों का खाना खा के कैसा लग रहा है आपको? अभी खाया भी नहीं है, ठीक है, इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। और फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ रायबरेली शोनी के पास, तो अब डे टू डे नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे मिलती रहूँगी और आपको दिखाती रहूँगी मैं क्या क्या कर रही हूँ। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय।